हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल इजी गार्डनिंग में। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप ये मेरे गार्डन में कितने प्यारे से फ्लावर जो है पर्सलिन के खिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, इनकी ग्रोथ भी कितनी अच्छी सी हो रही है और ये मैंने काफ़ी सारे जो है लगाए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो का टॉपिक है इन्हीं के लिए मैं आज इनकी केयर के बारे में बताऊँगी और ये कितने ईजिली तरीके से ये लग जाते हैं, तो ये भी सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, ये कटिंग जो है मैं छोटी छोटी सी 4 से 5 कटिंग लेकर आई थी, तो उन्हीं से मैंने इतने सारे प्लांट्स जो है तैयार किए हैं। तो फ्रेंड्स, ये कटिंग से जो है ये इजीली लग जाता है। आप इसकी छोटी छोटी सी कटिंग लीजिए और मिट्टी या फिर सैंड में आप इनको लगा दीजिए। 4 से 5 दिन में इनमें जो है रूट्स बनना शुरू हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, कटिंग से ये इजीली लग जाता है। तो फिर पानी की बात करूँ तो फ्रेंड्स, इसको पानी जो है कम ही देना चाहिए। इसकी मिट्टी जो है ऊपर से जो गीली रहे तो हमें इसे पानी नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये एक सकुलेंट फैमिली का प्लांट है। इसके जो स्टेम है उसमें जो है पानी जो है स्टोर होता है। अगर हम इसको ओवर वाटरिंग करते हैं तो फिर ये गलना शुरू हो जाता है और प्लांट्स हमारा धीरे धीरे करके जो है मर जाता है। तो फ्रेंड्स, मैंने ये काफ़ी सारे छोटे छोटे बास्केट्स जो है 10-10, 20-20 रुपए की जो आती हैं उनमें लगाए हुए हैं, और कुछ सीमेंट की जो ये पॉट्स जो मैंने बनाए हुए हैं उनमें भी लगाई हुई हैं, और छोटे छोटे जो डब्बे वब्बे मेरे गार्डन में जो हैं उनमें भी मैंने इनको सबको लगाया हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये प्लांट एक ऐसा है जैसे ईजिली लग जाता है, तो इसकी कोई ज़्यादा खास केयर भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, अब इसमें खाद की बात करूँ तो खाद की कोई ज़्यादा खास ज़रूरत नहीं होती है। जब हम इसकी सॉइल मिक्सचर जो तैयार करते हैं तो उसमें हमें वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद हमें अच्छी तरह से मिलाकर इसकी मिट्टी जो है हमें तैयार करनी चाहिए, तो इसके लिए वही काफ़ी होती है। तो फ्रेंड्स, अगर हम इसको देना भी चाहते हैं तो हम इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, जैसे बनाना पीलो या काउडंग कंपोस्ट या फिर वर्मी कंपोस्ट का जो है हम दे सकते हैं लिक्विड फर्टिलाइज़र। अब सनलाइट की बात करते हैं तो फ्रेंड्स, इसको पूरे दिन की सनलाइट बहुत पसंद है, क्योंकि ये सनलविक प्लांट है। अगर इसको धूप नहीं मिलेगी तो फ्रेंड्स ये फ्लावर्स जो है नहीं निकालेगा। तो फ्रेंड्स, इसके जो है धूप के से ही इसके फ्लावर्स का जो कलर है वो भी अच्छा आता है, और फ्लावर्स भी प्लांट पे हमारे काफ़ी सारे लग जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसमें पेस्ट अटैक की। तो फ्रेंड्स, पेस्ट जो अटैक होता है इसमें मिलीबग का अटैक काफ़ी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, जब एक बार इन पर मिलीबग्स का अटैक होता है तो हम उसे शुरू में ही कंट्रोल कर लेना चाहिए। अगर हम नहीं कर पाएंगे तो फिर वो इतना ज़्यादा लग जाता है इन पर, तो प्लांट्स को बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए आप जो है घरेलू जो पेस्टिसाइड बनाते हैं हम उसका उपयोग कर सकते हैं, नहीं तो नीम ऑयल का उपयोग कर सकते हैं, या फिर कोई केमिकल का उपयोग करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्लांट्स को जो है फिर बचाया जा सकता है। तो दोस्तों, हम इसे कैसे भी जो है हमारे जो गमले हैं उनमें लगा सकते हैं, बड़े से बड़े में लगा सकते हैं, छोटे से छोटे में लगा सकते हैं। तो मैंने इन्हें काफ़ी सारे ऐसे छोटे छोटे पॉट्स में भी लगाया है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये मेरी रेलिंग है और इस पर मैंने इन छोटे छोटे से जो मग जो आते हैं इनमें मैंने इनको ग्रो किया है, ये देखिए, और कितने अच्छे से ये ग्रो हो रहे हैं। 1 से 2 कटिंग ही मैंने इनको लगाई थी और फिर मैंने इनको पिंच कर दिया था, तो इनकी ग्रोथ जो है काफ़ी अच्छे से शुरू हो गई है। कटिंग कैसे लगानी है तो ये बिल्कुल एकदम ईजिली तरीके से कटिंग लग जाती है। कैसे लगानी है मैं आपको दिखाती हूँ, कि जैसे यहाँ हमारी ये छोटी सी स्टैम्प है, तो इसको ही हम यहाँ से ऐसे करके तोड़ेंगे और इसके नीचे के ये 2-3 पत्ते हटाएंगे, और यहाँ पर ही अपने किसी भी गमले में, आप दूसरे में लगाना चाहते हैं तो दूसरे में, इसमें एक छोटा सा होल बनाएंगे और यहीं पर हम इसको ऐसे लगा देंगे, तो ये इजीली तरीके से चल जाएगा। और इसको घना करने के लिए जो है हमें इसे पिंच करते रहना चाहिए, तो जो है ये घना हो जाता है। तो फ्रेंड्स, यही सब जानकारी है पर्सलिन के बारे में। तो आप इसको लगाइए और अपने गार्डन में हमेशा बना के रखिए, क्योंकि ये एक ऐसा प्लांट्स है कि हम इसको कटिंग के द्वारा हर बार लगा सकते हैं और हमेशा हमारे गार्डन में ये बना रहता है, हमारे गार्डन की खूबसूरती को बढ़ाता है। तो समर में इस प्लांट को आप ज़रूर लगाइए और अपने गार्डन को प्यारे प्यारे से फूलों से सजाइए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।